ट्रैक्टर मॉडिफाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर अपने पास 2010 मॉडल ट्रैक्टर आया था। ये सिर्फ पावर स्टीयरिंग के लिए आया था। इसके अंदर हमने पावर स्टीयरिंग किया है, T20 वाला हिस्सा लगाया है। आपको इस ट्रैक्टर की कटिंग दिखाते हैं, जो पाइपों में फिटिंग है वो देख सकते हैं आप। इसके अंदर चूल्हे के अंदर नया मॉडल का रंग लगाया गया है सारा ही। ये चूल्हा आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नया लगाया है। ये आरम है, ये एंड है, ये पंप है, और ये लिफ्टों की जो पाइपों की फिटिंग है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंपनी के माफिक लगाया गया है। और ये मोटर है, ये डैनफोर्स की लगाई गई है, और ये बिम है, कंपनी का लगाया गया है सारा ही। ये रिम भी चेंज किए गए हैं, और ये नट MPS के लगाए गए हैं। ये हब भी नए लगाए हैं, ये कप सारी जो कंपनी फिटेड आती है वैसे लगाया गया है। और इसके अंदर ज़्यादा कटाई ना हो, पाइप ना ख़राब हो, तो इसके लिए नट लगा हुआ है यहाँ पर। और आपको अभी इसकी कटाई काट के दिखाते हैं इलेक्ट्रिक ऊपर चल के। इलेक्ट्रिक आप स्पीड देख सकते हैं, स्लोरिंग है बिल्कुल, और स्लोरिंग में आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो में काम कर रहा है स्टीयरिंग। और जैसे कोई भी 1% भी कोई भी वो नहीं है। आपको अभी इसको रन करके दिखाते हैं। जो है इसके अंदर BKT कमांडो के डाले गए हैं, देख सकते हैं 1% भी ट्रैक्टर के अंदर कोई भी बाप नहीं है। देखो फुल कटाई है, आपको चेक करा दी स्लो में, बिल्कुल स्लो में काम कर रहा है। ये जो पंप है इसके अंदर वो भी ओरिजिनल कंपनी का लगाया गया है सारा। जो बिम है, ये नट है, जो बोल्ट हैं सारे कंपनी के लगाए गए हैं। आगे से आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर की, ये देख सकते हैं आप नीचे से ऊंचाई देख सकते हैं ट्रैक्टर की। और अभी आपको इसकी जो पावर स्टीयरिंग की जो ढोलकी की जो फिटिंग है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल साइड में लगाई गई है ना, तो ये इसका टूल हटाना पड़ा। इसकी फिटिंग है प्रॉपर आ चुकी है, किसी को पता ही नहीं चलता भी जैसे पावर स्टीयरिंग ढोलकी की साइड लगी हुई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड। आगे नई नई वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।